Hey guys, what's up? Namaskar, good morning, sat sri akal, adab, vanakkam. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे. और गाइज अभी शाम कह सकते हैं, शाम के बज रहे हैं 4 ऑलमोस्ट और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार. एक्चुअली क्या हुआ, मनीषा कह रही थी काफ़ी दिन से गए नहीं है घूमने कहीं, और हम लोग के घर से हरिद्वार इज़ लाइक 2.5 आवर्स. अभी गाड़ी का AC चला देता हूँ, थोड़ा गाड़ी ठंडा होगा, ठीक है. और मनीषा को मैं बोला ठीक है चलेंगे हम लोग, तो मैं मनीषा निशा जा रहे थे, तो मैंने बोला भानु दीदी और सर आप भी चलो, काफ़ी दिन से मैं उनको बोल रहा था कहीं घूमने चलते हैं, तो उन लोगों का प्लान तो बनता ही नहीं था. तो मैं बोला यार चलो, एक बार वृंदावन का भी मैं बोल रहा था बट सर लोग कभी रेडी नहीं होते, तो आज फाइनली वो लोग रेडी हो गए, तो वो लोग भी जाएंगे, भानु दीदी भी जाएंगी, ऋतु दीदी को नहीं पता था कि मेरे साथ जाएंगे, बट फिर मैंने कल बोला उनको कि अरे आप लोग मेरे साथ ही तो चलोगे, तो सर को मैंने बहुत दिन से कन्विंस किया, तो अभी चलते हैं. फिलहाल सब लोग फैमिली ट्रिप की तरह एकदम जाएंगे हरिद्वार, गंगा आरती दिखाने की कोशिश करेंगे. वैसे बहुत भीड़ हो जाती है, तो चलो आप लोग बने रहना. घर से अब हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, AC चल रहा है मस्त, और आप लोग बने रहो. मनीषा भी एकदम रेडी होकर के निकल रही है. और मेरा ये लुक है आज का, आज मैंने ये वाला थोड़ा सा अलग कलर का शर्ट पहना ना कि अलग फंकी सा लुक आएगा थोड़ा, है ना. बाकी आप लोग इन्जॉय करो, तो मैं जब तैयार हो जाता हूँ तब इन लोगों को पूरा सिलाता हूँ. छोटू तुम भी चलोगे? मेरे छोटू का फायदा यही है. निकल गई बाहर में नहीं, हो गया बाल भी झाड़ना है? नहीं, खत्म कर दी. हाँ, कॉलेज में जाके सब खा गए. देखो गाइस कल ही एक डब्बा नया लाए थे, सामने डिब्बा में भरे थे. इसमें कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल रखा, उसको फ्रिज में रख दे छोटू, आगे वाले मेरे वाले में, ऊपर वाले फ्रिज में गर्म हो गया होगा. छाउटू गाइस का नाम छोटू नहीं, छाउटू है, छाउटू. चलो निशा बैठ जाओ पीछे ना, छाउटू. व्हाट इज दिस सोना? चलो बैठो. जो इसमें वो बोतल छोटू निकाल देना करना गाड़ी से, इसको गिराना तो बहुत आसान है, इसको यहाँ से खोलता है, उठा देगी फिर इसको उठा लो. तो यहाँ पे रितु दीदी फाइनली आ गई हैं, वहाँ पे हम लोग जाके मोमोज का स्टॉल लगाएंगे. तो रितु दीदी बोली कि ठीक है, मैं पूरा पूरा मोमोज बेचने में कोऑपरेट करूंगी, पूरा पूरा सब कोऑपरेट करना. आ रही मनीषा भी दौड़ दौड़ के, माना तो आगे बैठ जाएगी गोदी में. हाँ, मैं बिठा लूं, कोई बात नहीं, ताऊ पापा तो इसके गुस्से में. ये देखो कहाँ चढ़ रही है मटकी, फिर सीट वो करनी पड़ेगी बाद में. आ जाओ. हाँ तुम आगे आ जाओ, मैं गोदू में बिठा लूंगी ना अपने राजे. आप वैसे दिमाग तो लगाया लड़की ने, सीट उठानी पड़ेगी. समझदार लड़की है ये. हाँ मेरा दिमाग था ये, इसको मैंने क्लास में एक दिन पढ़ाया था ना, इसलिए आऊंगा तुम्हारी क्लास में क्लास लेने. छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता ना मैं. अच्छा छोटे बच्चों, आप तुम लोग बहुत छोटे छोटे, डेढ़ डेढ़ फुट. सर आ गए हैं, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. वीडियो को लाइक कर, ये शेव करोगे क्या वहाँ पे? हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिहारीगढ़, और अब देहरादून आने वाला है थोड़ी देर में. देहरादून आएगा ना, जल्दी उतरो भाई, जल्दी उतरो, गेट बंद करो. तो यहाँ पे सब लोग पकौड़े खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि यहाँ के पकौड़े बहुत मशहूर हैं. पकौड़े देखा, चार पकौड़ा. सो दोस्तों चलते फिरते हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून की मस्त ट्रैफिक में. कितना क्यूट ट्रैफिक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा. इनको भी देखिए, ये भी क्यूट लग रहे हैं, ये लोग भी बैठे हुए हैं, और सर भी यहाँ बैठे हुए हैं. मैं तो खैर हूँ ही सुपर क्यूट. अब आगे ग्रीन बत्ती हो गई है, लेकिन देखो बहुत देर बाद गाड़ी चल रही है. अभी ग्रीन बत्ती पे भी अब चल रहा है. चलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 10:27, आप देख सकते हो. गाड़ी की माइलेज पूरी कम हो चुकी है, और यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है इतना भयंकर कि टिश्यू पेपर पे चावल खाना पड़ रहा है इसको, जो कि रोटी खाता है हमेशा. यहाँ पे ये भी हैं, ये डाइटिंग पे हैं, तो थोड़ा कम खा रही हैं. और ले ले. और हम लोग वैसे पहुँच चुके हैं कब का, देखो आपको सारी तरफ मसूरी दिख रहा होगा,
लड्डू थोड़ी जोर ले ले। नहीं। इनको पता नहीं था कि मसूरी आने वाले हैं, धोखे से आए हैं हरिद्वार बोल के। अब बाकी यहाँ पे ये मनीषा भी है, पेट पूजा करने में लगी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और पीछे जनता जनार्दन के दो लोग वैसे पीछे बैठे हुए हैं, एक दिख नहीं रही है। निशा कहने बड़ू नहीं बड़ू का कतरू। मैडम जी आप अपनी शक्ल थोड़ा हटाएंगी? लो जी देखिए, आप चावल खा रही है तो मुंह में गड्ढा हो जा रहा है। अच्छा डिंपल है, सॉरी। यहाँ पे इधर मैडम जी, अब इधर हटिए ना, भगवान इधर इधर नोना को देख सकते हैं आप। ये पहले सुखी थी अब दुखी हो गई। अब मटकी तो पता नहीं क्यों हंस रही, इसको समझ में नहीं आ रहा कोई बात, फिर भी ऐसे जा रही है। इतना जोर से हंसेगी ना, जब सब हंसेंगे तो ये भी जोर जोर से हंसेगी। इनके टांगों में खाज हो रही है, यही करो तुम उल्टा। गाड़ी में सीट ऐसी भगवान ने बनवाई थी, ये भाई साहब ऐसे हड्डी वो चाहते हैं कि सिर टक्कर जाए उसमें। और ट्रैफिक तो अभी तक खुला नहीं है। मेरे को भी देख लो यार, मेरे को नहीं देखोगे तो फिर ब्लॉग में मजा नहीं आता ना। बंद तो हो गया ये, बंद नहीं हो सकता, कर दे भी दिया अपने को क्या करना पसंद नहीं दिया। चलो गाइस को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब इस हालात को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम लोग गाड़ी यहीं से यू टर्न लेके नीचे कहीं होटल वगैरह लेंगे, नहीं मिला होटल तो हरिद्वार जाएंगे, हर की पौड़ी घूम के फिर अपन सुबह सुबह तक घर। सो गाइस हमारे पास हमारे फेमस फेमस यूट्यूबर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया। और ये सबसे सुपरस्टार हमारे यहाँ बैठे हैं। हेलो मैडम, मैडम ऑटोग्राफ, मैडम ऑटोग्राफ दे दो, मैडम ऑटोग्राफ दे दो, एक ऑटोग्राफ दे दो, हाथ पे दे दो, हाथ पे दे दो, साइन कर दो, साइन थैंक यू। मैडम मानतन लिया। और अभी सर गए थे रूम देखने, फ़ोन छोड़ के गाड़ी में मैं गया आगे, तीन चार होटल वालों से पूछ लिया कि कह रहे हाँ दो बंदे तो आए थे, मतलब वो दोनों रहने के लिए नहीं आए थे, एक दिखाने वाला बंदा था। तो पता नहीं अब देखो सर किधर है। तो देखे ढूंढ गया, जब तो मैं ढूंढ रहा था तब आ जा गाड़ी के पास। ढूंढ ले तो मिला का कुछ आगे देखो, मेरे पास तो फोन है, फोन करना। आओ ठीक है, मैं भी किधर ही ढूंढूंगा, बहुत होटल्स हैं। देखो कैसे ज्ञानी बैठ के यहाँ ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, होटल का नाम नहीं बताया। पीछे वाली गाड़ी हट गई। हाँ। और पीछे कर दूँ क्या? कर दे, कर दीजिएगा तो सही रहेगा। नहीं वैसे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आखिरकार मंजिल पर हम लोग पहुँच गए, ये है मसूरी का मॉल रोड, जो कि रात की अंधेरे में चमचमा रही है अलग। और अभी तो बंद हो गया, रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग थक गए थे, रूम पे आराम कर रहे हैं, मैं इधर आ गया हूँ अकेले मस्त घूमने फिर, थोड़ा कुछ खाऊंगा पीऊंगा, मार्केट वैसे बंद हो गई बट कुछ खाता पीता हूँ, उसके बाद से फिर प्लान करता हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। तो सुबह हो चुकी है और रात को हम लोग होटल में रुके थे, जिस होटल में, ये है बहुत नीचे को जाके कोई मून लाइट है। तो ये कैसे टूट गया? अच्छा खुल गया ये। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड बिल्कुल ही नहीं करूँगा, बहुत ही अलग मिसबिहेवियर है, क्योंकि जब आपका टाइम वगैरह हो जाता है ना ज़्यादातर, मतलब लाइक पीक टाइम होता है इन द सेंस कि बहुत भीड़ होने वाला है, अभी 2 अक्टूबर की छुट्टियां वगैरह है, तो इसके वजह से क्या है कि यहाँ पर रश ज़्यादा है और होटल वाले सब 9,000 10,000 500 600 700 वाले रूम का 10,000 8,000 ऐसे रेंट लेते हैं। तो चलो सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह अपना खिंचा रहे हैं, यहाँ पर देखो मनीषा का अलग फैशन चल रहा है, मेरी आँखें नहीं खुल रही। एनी वेज आँखें खोलना पड़ेगा कि आगे काम करना है। ये देखो ये भी भाग के गई अंदर, ये लोग देखो सब लोग उठ के बैठे हुए, सब रेडी वेडी होकर के निकलेंगे फटाफट, किसी को पता नहीं था कि यहाँ आना है, मैं लेके आ गया। एनीवेज गाइस आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जाते जाते एक बार व्यूज़ देख लो यहाँ से कैसा व्यू है, अभी सूरज की रोशनी इधर है ना इसलिए थोड़ा ऐसा ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ये देखो मनीषा, वैसे एक बात तो है कि पहाड़ी में ना व्यूज़ बहुत क्लियर आता है, एकदम साफ साफ, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता ना इसलिए फोटोज भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारी गाड़ी पता है कहाँ लगी है? हमारी गाड़ी नहीं उधर नहीं लगी है, तुमने ऐसे हमारी गाड़ी बहुत दूर लगी है, धुंधला नहीं है वो
हमारी गाड़ी उधर साइड लगी है कहीं। भाई साहब तेरे तो क्यों लगा है? हाँ। और ट्रैफिक लगा है क्या ये कार में? अच्छे से खींचो अच्छे से। पार्किंग लगा है, ट्रैफिक नहीं लगा है वो। इनका फोटो सेशन खत्म हो जाएगा। चलो गाइस एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें सब।